नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चैलशा एंड जैसा आपको पता है कि हम यहाँ पर कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल एग्ज़ाम में कंप्यूटर का जो सिलेबस है उसकी यहाँ पे हम कर रहे हैं प्रिपरेशन एंड उसी सिलेबस की एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने अभी तक कंप्यूटर के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उन सबको काफ़ी अच्छे से कवर कर लिया है। उसके बाद हमने इंटरनेट से रिलेटेड भी सारे टॉपिक्स को लगभग सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। एक दो जो टॉपिक्स रिमेनिंग रहते हैं जैसे वायरस के बारे में, उसके बारे में हम आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे। अब जो हमारा टॉपिक रहता है वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और विंडोज से रिलेटेड टॉपिक्स। उसी सीरीज में लास्ट क्लास में हमने कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स बनती थी 100+ फुल फॉर्म्स को हमने देखा और समझा। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर की शॉर्टकट कीज़ के बारे में। आज की क्लास हमारी उस शॉर्टकट कीज़ का पार्ट 1 रहेगा, जिसके अंदर हम फंक्शन कीज़ को देखने वाले हैं। टोटल कीबोर्ड में कितनी फंक्शन की होती है? 12। देखते हैं F1 फंक्शन की का क्या उपयोग होता है। तो देखिए, आपके कंप्यूटर में किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या एप्लीकेशन के अंदर अगर हम F1 की को प्रेस करते हैं तो उस एप्लीकेशन का हेल्प मेन्यू ओपन हो जाता है। क्या ओपन हो जाता है F1 की से? हेल्प मेन्यू। सेकंड आती है F2 फंक्शन की। अब F2 फंक्शन की का क्या उपयोग होता है कि अगर हमें हमारी फाइल या फोल्डर का नाम बदलना है, मतलब क्या करना है, उसको रीनेम करना है, कोई दूसरा नाम देना है, तो हम किस की का प्रयोग कर सकते हैं? F2 फंक्शन की का। और अगर हम फंक्शन की को यूज़ ना करें तो आप क्या करें, अपनी फाइल के ऊपर क्लिक करें, माउस से राइट क्लिक करें और आपके सामने रीनेम का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। हम उस पर अगर क्लिक करेंगे तो आप अपनी फाइल का नाम बदल सकते हैं। थर्ड आती है F3 फंक्शन की। कौन सी है हमारी की? F3 फंक्शन की। अब देखिए, F3 फंक्शन की का उपयोग किस चीज़ के लिए होता है? सर्च ऑप्शन को ओपन करने के लिए। किस चीज़ के लिए है? सर्च ऑप्शन को। सर्च ऑप्शन का मतलब, आप इसके अंदर आपको एक बॉक्स दिखाई देगा और अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर या कोई फाइल सर्च करनी है अपने कंप्यूटर लैपटॉप में तो आप यहाँ पे उसको लिख सकते हैं और एंटर दबाएं। अब बात करते हैं F4 फंक्शन की का। तो देखिए, F4 फंक्शन की का उपयोग ऑल्ट के साथ किया जाता है। ऑल्ट क्या है? कीबोर्ड के अंदर ही एक की है, उसके साथ किसका यूज़ किया जाता है? F4 का। और अगर हम ऑल्ट प्लस F4 को दबाएं तो हमारे सामने जो शट डाउन विंडो है वो दिखाई देगी। शट डाउन विंडो के अंदर 4 ऑप्शंस होते हैं। और उससे पहले ये देखिए कि डेस्कटॉप क्या होता है। डेस्कटॉप, जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो जो पहली स्क्रीन आपको दिखाई देती है वो डेस्कटॉप होती है। अब बात करते हैं शट डाउन ऑप्शंस की। तो देखिए, हमें 4 ऑप्शंस दिखाई देते हैं। कौन कौन से होते हैं वो ऑप्शंस? एक तो शट डाउन होता है, सेकंड स्लीप होता है, थर्ड हमारा रीस्टार्ट होता है एंड फोर्थ होता है स्विच यूज़र। जब आप ऑल्ट प्लस F4 को प्रेस करते हैं तो आपके सामने ये 4 ऑप्शंस ओपन होके आते हैं। उनमें से हम जो चूज़ करना चाहें, जो सिलेक्ट करना चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप शटडाउन को सिलेक्ट करते हैं तो आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा। स्लीप को अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे टाइमिंग होती है कि 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, कितनी देर के लिए आप अपने कंप्यूटर को बंद करना चाहते हैं। वो पूरी तरह से बंद नहीं होता है।
रीस्टार्ट मतलब आप अपने कंप्यूटर को बंद करके वो क्या हो जाए, एक बार फिर से ऑन हो जाए। स्विच यूज़र, अगर आपने अपने कंप्यूटर में एक से ज़्यादा अकाउंट बनाए हुए हैं और आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे जाना चाहते हैं तो स्विच यूज़र का ऑप्शन यहाँ पे चूज़ करते हैं। अब बात करते हैं F5 फंक्शन की का, तो इसका उपयोग किया जाता है रिफ्रेश करने के लिए। F6 फंक्शन की का उपयोग किसके लिए किया जाता है, किसी भी फाइल या प्रोग्राम को सिलेक्ट करने के लिए, पहली बात। दूसरा, डायरेक्टरी को बदलने के लिए किया जाता है। और थर्ड, अगर हम इसका यूज़ ब्राउज़र में कर रहे हैं, अगर आप इसको F6 का जो यूज़ है फाइल को सिलेक्ट करने और डायरेक्टरी को बदलने के लिए, अगर इसको हम ब्राउज़र में यूज़ करें तो ये हमारा जो कर्सर है ना, ये जैसे मूव कर रहा है, ये भी क्या है, कर्सर है। इस कर्सर को सीधा एड्रेस बार में ले जाता है और एड्रेस बार में हम क्या टाइप करते हैं, URL। ठीक है, इतना हमें समझ में आया। अब बात करते हैं F7 फंक्शन की का, तो F7 फंक्शन की का उपयोग जो विंडोज़ मीडिया प्लेयर होते हैं, VLC मीडिया प्लेयर होते हैं, जहाँ पे हम हमारे सॉन्ग्स वीडियोस देखते हैं, उसमें साउंड को म्यूट या अनम्यूट करने के लिए किया जाता है। इसका विंडो में ऐसा कोई खास यूज़ नहीं है, लेकिन MS ऑफिस में काफ़ी यूज़ होता है। जब हम MS ऑफिस की कीज़ को देखेंगे तब हम इसको भी वहाँ पे समझेंगे। अब बात करते हैं F8 फंक्शन की का उपयोग, तो F8 फंक्शन की का प्रयोग विंडोज़ इंस्टॉल करते समय बूट करने के लिए किया जाता है। और अब ये बूटिंग क्या होती है, तो जब हमने कंप्यूटर की क्लासेस देख रहे थे तो वहाँ पे हमने इसको एक अलग से चैप्टर में कवर किया था, बूटिंग क्या होती है, टाइप्स ऑफ बूटिंग, वॉर्म बूटिंग और कोल्ड बूटिंग। लिंक आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, अगर आपने नहीं देखी है तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं F9 फंक्शन की का, तो F9 फंक्शन की का वैसे विंडो में कोई यूज़ नहीं है, लेकिन विंडो मीडिया प्लेयर में वॉल्यूम को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए होता है। F10 इंक्रीज़ करने के लिए होता है। F10 का उपयोग क्या है, इससे हम किसी भी सॉफ्टवेयर के मेन्यू को ओपन कर सकते हैं। क्या ओपन कर सकते हैं, मेन्यू को। और अगर आप विंडोज़ मीडिया प्लेयर में इसको प्रेस कर रहे हो F10 को, तो आप उसकी फाइल लिस्ट को ओपन कर सकते हैं। F11 का क्या उपयोग है, तो F11 का उपयोग होता है कि अगर हम हमारी एप्लीकेशन को फुल स्क्रीन मोड में चलाना चाहते हैं तो। अब फुल स्क्रीन मोड क्या होता है, इस मोड के अंदर केवल आपको आपकी विंडो, आपकी एप्लीकेशन दिखाई देगी, उसके जितने ऑप्शंस होते हैं ना वो हाइड हो जाते हैं। F12 का क्या उपयोग है, तो अगर आप अपने फाइल को सेव एज करना चाहें तो, सेव एज का मतलब कि हमने एक फाइल बनाई, उसको हमने सेव कर दिया और उसी फाइल की हम एक डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं, लेकिन किसी नए नाम से, पहले वाली फाइल भी रहे और वो नई फाइल भी रहे, तो हम क्या करेंगे, उसको सेव एज कर देंगे। अब पहली फाइल भी रहेगी और उसी फाइल का एक नया नाम भी आ जाएगा। एक बार रिविज़न लेते हैं तो देखिए, टोटल 12 फंक्शन की होती है। F1 का उपयोग हेल्प के लिए, F2 का यूज़ रीनेम करने के लिए, F3 का यूज़ किया जाता है सर्च ऑप्शन ओपन करने के लिए, F4 का ऑल्ट के साथ किया जाता है, अगर ऑल्ट प्लस F4 दबाएंगे तो शटडाउन विंडो ओपन हो जाएगी, F5 का क्या यूज़ है, रिफ्रेश करने के लिए, F6 का क्या यूज़ है, किसी भी फाइल प्रोग्राम को सिलेक्ट करने के लिए और डायरेक्टरी को बदलने के लिए। ब्राउज़र में यूज़ करेंगे तो कर्सर सीधा एड्रेस बार में आ जाएगा। F7 का यूज़ होता है विंडो मीडिया प्लेयर में साउंड को म्यूट या अनम्यूट करने के लिए। उसके बाद MS ऑफिस में भी इसका काफ़ी सारा यूज़ होता है। F8 फंक्शन की विंडो इंस्टॉल करते समय बूटिंग करने के लिए किया जाता है। F9 का यूज़ होता है विंडो मीडिया प्लेयर में वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने के लिए। F10 का क्या उपयोग होता है, मेन्यू को ओपन करने के लिए। F11 फुल स्क्रीन मोड में
चलाने के लिए, और F12 का उपयोग किसके लिए किया जाता है, सेव एज करने के लिए। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने देखा फंक्शन की का क्या यूज़ होता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कीबोर्ड की और भी बहुत सारी कीज़ होती है, उनका क्या क्या यूज़ होता है, उन सब के बारे में हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।